हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता है जो कि हम देखते हैं ब्लड को पंप करता है थ्रू ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे बॉडी में एक कलरलेस फ्लूइड सिक्रीट होता है, फ्लो होता है, जो कि होता है लिम्फ। एक कलरलेस फ्लूइड फ्लो होता है थ्रू आउट द बॉडी, कलरलेस फ्लूइड, दैट इज नॉट रेड इन कलर, ठीक है। कलरलेस फ्लूइड फ्लो होता है जिसको लिम्फ बोला जाता है, और ये फ्लो होता है लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए। उनके भी स्पेशलाइज्ड वेसल होते हैं जिनको लिम्फेटिक वेसल्स बोला जाता है, और साथ ही में यहाँ पे कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी होते हैं जिनको लिम्फेटिक ऑर्गन्स या लिम्फेटिक टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम ये कुछ चीजों से बना है, जिसमें सबसे पहले तो एक कनेक्टिव फ्लूइड है जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, जो कि कलरलेस होता है। देन लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिसके मदद से ये फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, और फिर आते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स जो कि इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम ही हमारे इम्यूनिटी में, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में हेल्प करता है, या रोग प्रतिकारक शक्ति में हेल्प करता है बेसिकली। तो ये पूरा हमारा जो इम्यूनिटी है उसको बिल्डअप करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम वन बाय वन इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट लिम्फ। तो लिम्फ की बात करते हैं, तो ये जो वर्ड आया है लिम्फ, That means the clear water, एक ऐसा clear water जो कि colorless है, जिसका कोई particular color नहीं है, ठीक है। Basically ये जो fluid होता है ये connective tissue होता है, just like blood, ठीक है। Blood जैसे ही, इसको भी एक connective tissue बोलेंगे। ये similar होता है blood ही जैसे ही, बस इसमें RBC नहीं होते, platelets नहीं होते, और कुछ blood protein नहीं होते जो कि blood को clot करने में help करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे blood में से अगर हम RBC को निकाल दें, RBC निकाल दिया तो red color निकल गया obviously, ठीक है। उसके अलावा platelets को निकाल दिया, प्लेटलेट्स के साथ जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन में इसको भी निकाल दिया, तो क्या बचता है, जो भी फ्लूइड बचेगा कलरलेस फ्लूइड इंक्लूडिंग डब्ल्यूबीसी, उसमें डब्ल्यूबीसीज होंगे और कुछ कलरलेस फ्लूइड होगा, प्लाज्मा होगा, उसको हम बोलेंगे दैट इज लिम्फ, ठीक है। अब ये जो लिम्फ है ये होता कहां पे है, ये प्रेजेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। तो आप देख रहे होंगे ये जो डायग्राम, इट इज द डायग्राम ऑफ अ टिश्यू, ये एक टिश्यू की डायग्राम है, और इसके अंदर ये जो रेड कलर के सेल्स है, दीज आर द सेल्स, ठीक है। अब एक टिश्यू है तो सेल से बना होगा, और इन सेल्स के बीच में आप जो देख रहे हो, सेल्स के बीच में, सेल्स के आजू बाजू में, ठीक है, इन सेल्स के बीच में यहां पे ये जो फ्लूइड है, दिस फ्लूइड ब्लू कलर का, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। सेल में नहीं है, सेल के आजू बाजू है, ठीक है। सो ये इसको बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस, दो सेल के बीच में से खाली जगह, दो सेल के बीच में जो खाली जगह होती है उनको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, और इस इंटरसेल्युलर स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर फ्लूइड। इंटर का मतलब होता है बीच में, सेल्युलर यानी सेल्स के बीच में, ठीक है। तो ये सेल्स के बीच में यहाँ पे ये फ्लूइड है, ये स्पेस है। तो ये फ्लूइड में क्या करते हैं, सेल अपना सारा मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज करते हैं। सेल में जो भी CO2 रिलीज, CO2 फॉर्म होता है आफ्टर एनर्जी फॉर्मेशन, तो वो CO2 को कहाँ निकाल के फेंक देंगे, CO2 को निकाल के फेंक देंगे सेल के बाहर, देने इंटरसेल्युलर स्पेस में, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल में जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहे, जो भी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। रिएक्शंस होने के बाद कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, वेस्ट यानी जो सेल के कोई काम का नहीं, तो ये वेस्ट भी कहां निकाल के फेंक देंगे, इंटरसेल्युलर स्पेस में, इंटरसेल्युलर फ्लूइड में, ठीक है। तो यही इंटरसेल्युलर फ्लूइड अब कलेक्ट होता है बाय कैपिलरी, इन कैपिलरी के मदद से ये इंटरसेल्युलर फ्लूइड जो है ये आता है लिम्फ वेसल में, और लिम्फ वेसल में ये जो कलरलेस फ्लूइड आ रहा है इंटरसेल्युलर फ्लूइड, इसी को बोला जाता है लिम्फ, इसी को बोला जाता है लिम्फ। तो ध्यान दो, द फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस ऑफ द बॉडी टिश्यू एंटर्स इनटू द लिम्फेटिक वेसल। तो ये जो इंटरसेल्युलर बॉडी टिश्यू है, इंटरसेल्युलर स्पेस है बॉडी टिश्यू की, ठीक है, इसमें से फ्लूइड कलेक्ट होता है लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल में ये क्या कैरी करता है, इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेसेस टू द लिम्फ वेसल। तो लिम्फ वेसल में ये कैरी करता है CO2 को और मेटाबॉलिक वेस्ट को, ठीक है। अब ये फ्लूइड जो है आगे, ये पूरे वेसल्स जो है वो ओपन होते हैं ब्लड वेसल में, तो ये आगे ओपन किस में होंगे, ब्लड वेसल, मतलब ये जो भी फ्लूइड है कलरलेस फ्लूइड, ये सब आखिर में ब्लड में चले जाएगा, और ब्लड इस मेटाबॉलिक वेस्ट CO2 को लेके, CO2 तो लंग्स में एक्सचेंज हो जाता है, और मेटाबॉलिक वेस्ट को किडनी में ले जाके, किडनी में इसका प्यूरिफिकेशन करके, किडनी से यूरिन फॉर्मेशन में इसको भी बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो दीज लिम्फ वेसल लैटर ओपन्स इनटू ब्लड वेसल एंड ब्लड टेक्स अवे दैट ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट एंड CO2 गेट एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ लंग एंड द मेटाबॉलिक वेस्ट गेट फिल्टर्ड
ठीक है, एट लेवल ऑफ किडनीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं लिम्फ वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। तो ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस से लिम्फेटिक फ्लूइड यानी लिम्फ को कलेक्ट करती है। अब ये ऐसे बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होती है और ये फॉर्म करते हैं लिम्फ वेसल। मेनी कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लिम्फ वेसल। ये लिम्फ वेसल आगे जाके हम देखते हैं ब्लड में ओपन हो जाती है। तो ऐसे बेसिकली दो इंपॉर्टेंट लिम्फ वेसल होती है जो पूरे बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करती है। ठीक है, पहली लिम्फ वेसल होती है थोरैसिक लिम्फ वेसल, या यहाँ पे इसको लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल भी बोलेंगे। ठीक है, या इसको यहाँ पे हम बोलेंगे लेफ्ट लिम्फेटिक वेसल या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, ये हमारे बॉडी में पूरे लोअर बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करेगी, अपर लेफ्ट बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करेगी। तो बॉडी से 70% ऑफ लिम्फ जो है वो कलेक्ट करती है थोरैसिक लिम्फ वेसल या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो ये जो लिम्फ वेसल होती है लोअर बॉडी से और अपर लेफ्ट बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करती है। देन आती है राइट लिम्फेटिक वेसल या राइट लिम्फेटिक डक्ट। ये जो है अपर राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर राइट पार्ट ऑफ द बॉडी से ये लिम्फ को कलेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लैक्टील्स। लैक्टील्स ये स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन से अराइज होते हैं और ब्लड में जाके ओपन होते हैं। इंटेस्टाइन में हम देखते हैं तीन चीजें, जो हम व्हाटएवर जो फूड हम खाते हैं उनमें से तीन चीजें हमारी बॉडी को बहुत नेसेसरी होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये तीनों न्यूट्रिएंट बॉडी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है और ब्लड में जाते हैं। बट इसमें से एक चीज ध्यान देने की है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को जब इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है तो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, लेकिन जो फैट होता है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज नहीं होता। तो जो भी फैट एब्जॉर्ब होगा बाय इंटेस्टाइन उसको एंटर किया जाएगा इनटू लैक्टील्स यानी लिम्फेटिक वेसल्स, और ये लिम्फेटिक वेसल आगे जाके फिर ओपन होगी ब्लड में। तो थोड़ा इनडायरेक्ट फ्लो होता है फैट का। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि फैट जो है वो कैरी होता है बाय लैक्टील्स और ओपन होता है इनटू ब्लड। तो फैट जो है वो इनडायरेक्टली फ्लो होता है फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड बाय लैक्टील्स। ठीक है, डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे डायरेक्ट ब्लड में ये सिक्रीट नहीं होता इंटेस्टाइन से, ये जाता है पहले लैक्टील्स से, लैक्टील्स से फिर जाएगा ब्लड में। ठीक है, तो लैक्टील्स क्या है? लैक्टील्स आर द लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, विच एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब नहीं बोल सकते इसको, कैरीज। ठीक है, यहां पे हम बोलेंगे इट कैरीज फैट फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी फैट को एब्जॉर्ब करेगी इंटेस्टाइन, एंड फिर उस एब्जॉर्ब फैट को कैरी करेगा कौन? लैक्टील्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक एंड ओपन्स इनटू ब्लड वेसल, और ये ओपन होगा इनटू ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल यानी ब्लड में फाइनली। अब बात करते हैं लिम्फेटिक ऑर्गन्स की। हमारे बॉडी में दो टाइप के लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन या प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। इनमें दो ही ऑर्गन है, बोन मैरो एंड थाइमस। इनका काम होता है लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करना, वो सेल को प्रोड्यूस करना जो सेल एंटीजन्स को यानी वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे। दैट इज लिम्फोसाइट्स कौन से होते हैं? टी सेल एंड बी सेल। हमने देखा है बोन मैरो में टी सेल बी सेल दोनों फॉर्म होते हैं। ठीक है, बी सेल फॉर्म भी बोन मैरो में होते हैं, मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, लेकिन टी सेल फॉर्म होते हैं बोन मैरो में, मैच्योर होते हैं थाइमस में। इसीलिए यहाँ पे इनका फॉर्मेशन मैच्योरेशन जहां पे होता है, ठीक है, द ऑर्गन्स वेयर फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। यहाँ पे हम देखते हैं लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इम्यून सिस्टम में ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या करते हैं? लिम्फ का फिल्ट्रेशन करते हैं। लिम्फ नोड ऐसे बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बीच बीच में, अगर इनमें से लिम्फ फ्लो होता है और लिम्फ में गलती से कोई बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो लिम्फ नोड से बच के बाहर नहीं जा सकता, तो उसको वहीं पे किल कर दिया जाता है और क्लियर लिम्फ बाहर जाता है। तो लिम्फ को यहाँ पे फिल्टर किया जाता है, मतलब उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पास नहीं होने दिया जाता। स्प्लीन जो है ये ब्लड को फिल्टर करता है, यानी ब्लड में जो भी डेड और डैमेज्ड आरबीसी होते हैं, उसको ये अलग कर देता है और क्लियर अच्छा ब्लड जिसमें सारे आरबीसी सही है उसको आगे पास ऑन करता है। नेक्स्ट टॉन्सिल्स, जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फैरिंग्स रीजन में, ये क्या करते हैं? किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को
पैथोजन को यानी बैक्टीरिया वायरस को अंदर एंट्री लेने से रोक देते हैं, इसको ट्रैप कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बोलते हैं पेयर्स पैचेस। ये जो है ये छोटे छोटे स्कैटर्ड टिश्यू होते हैं, टिश्यू जो कि फैले हुए हैं इंटेस्टाइनल वॉल में। इंटेस्टाइन में ये टिश्यू पूरे फैले हुए होते हैं और ये टिश्यू अगर इंटेस्टाइन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो उसको डिटेक्ट करके उसको किल करने का काम, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने का काम इनका होता है। यहाँ पे लास्ट आता है माल्ट, दैट इज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये जो होते हैं ये म्यूकोजल लेयर में होते हैं, जो भी हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोजा लेयर है, स्टमक की, इंटेस्टाइन की म्यूकोजा लेयर है, इसमें ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये अगेन एंटीजेंस को यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरसेस को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम ये भी खत्म होता है। एक बार इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। हमने बोला जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जिसमें एक कलरलेस फ्लूइड फ्लो होता है बाय लिम्फेटिक वेसल एंड कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। लिम्फ हम देखते हैं क्लियर वाटर होता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सिमिलर ब्लड जैसा ही है, एक्सेप्ट आरबीसी प्लेटलेट्स एंड कुछ ब्लड प्रोटीन्स इसमें नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये इंटरसेलुलर स्पेसेस से क्या होता है, कलेक्ट होता है बाय लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, तो ये वही फ्लूइड होता है जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होता है बॉडी टिश्यूज के। ठीक है, और ये लिम्फेटिक वेसल्स के जरिए फिर कलेक्ट होता है। सो ये अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को कैरी करता है और ये आगे जाके लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है सारा लिम्फ, और लिम्फेटिक वेसल्स आगे जाके ओपन हो जाती है किसमें, इनटू ब्लड वेसल्स। फाइनली हम बात करते हैं लिम्फ वेसल, जो बहुत सारी कैपिलरीज लिम्फ कैपिलरीज एक साथ आके लिम्फ वेसल बनाती है। और लिम्फ वेसल यहाँ पे मेनली दो टाइप के होते हैं, थोरैसिक लिम्फ वेसल या राइट लिम्फेटिक वेसल। जिसको पहले तो हम लेफ्ट या थोरैसिक लिम्फेटिक वेसल की बात करते हैं, तो वो पूरे अपर बॉडी से, पूरा नहीं, लेफ्ट अपर बॉडी से और पूरे लोअर बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करती है। और राइट लिम्फेटिक वेसल जो है राइट अपर बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करती है। लैक्टेल्स जो होते हैं वो हम देखते हैं, लैक्टेल्स से वो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो कि फैट को कैरी करते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ये फैट को बाद में रिलीज कर देते हैं इनटू ब्लड। ठीक है, अब क्योंकि लैक्टिल्स फैट को कैरी करते हैं और फैट जो है वो मिल्किश कलर का दिखता है लैक्टिल्स में। ठीक है, तो पूरा लैक्टिल्स, पूरा ये जो ब्लड वेसल है वो मिल्की कलर का दिखता है, इसी वजह से इसको लैक्टिल्स बोला जाता है, एज लैक्टी का मतलब होता है मिल्क। ठीक है, लैक्टी ये वर्ड या लैक्टी ये वर्ड यूज किया जाता है मिल्क के लिए। तो लैक्टिल्स इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये मिल्की कलर के दिखते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स फैट। नेक्स्ट लिम्फेटिक ऑर्गन हम देखते हैं, प्राइमरी ऑर्गन जो कि बेसिकली जिनमें बी सेल, टी सेल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो, थाइमस एंड अदर आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फ नोड जो कि लिम्फ को फिल्टर करता है, उसमें से कोई एंटीजन पास आउट नहीं होता। स्प्लीन जो कि रेड ब्लड सेल, डैमेज रेड ब्लड सेल को सेपरेट कर देता है और क्लियर रेड ब्लड सेल को पास ऑन करता है। टॉन्सिल्स जो कि किसी भी फॉरेन पैथोजन की एंट्री को अलाउ नहीं करता। पेयर्स पैसेज जो कि हमारे बेसिकली इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सेंसेशन करते हैं, कोई भी एंटीजन बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करते हैं और उसको उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ये म्यूकोजा लेयर में होते हैं, ये भी वही काम करते हैं जो पेयर पैचेस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, आते रहे। ठीक है, ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।